वेलकम टू स्टडी गो विजिनर। जैसा कि आपको पता ही है, जुरिस्प्रूडेंस क्या है? नॉलेज ऑफ लॉ है। तो लॉ के बारे में हम सबको जानते हैं जुरिस्प्रूडेंस में। तो कहाँ से आपका लॉ आया है, कैसे ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि वो सोर्सेज जहाँ से लॉ आया है उनको भी हम जुरिस्प्रूडेंस के तहत डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ लॉ की सीरीज जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं लॉ के। पहला हो गया कस्टम, दूसरा हो गया लेजिस्लेशन और तीसरा हो गया जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो आज की वीडियो में हम कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा आज कस्टम से। कस्टम वाला टॉपिक आपका जुरिस्प्रूडेंस में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो जो सामन है उन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है सोर्सेज ऑफ लॉ का दो पार्ट में। उन्होंने कहा है कि दो तरह के सोर्सेज हैं लॉ के, पहला फॉर्मल सोर्स और दूसरा हो गया मटेरियल सोर्स। फॉर्मल सोर्स यानी कि वो सोर्स जहां से लॉ क्या किया है, इन्फोर्सिबिलिटी, फोर्स, वैलिडिटी डिराइव किया है, और इस कैटेगरी में उन लॉ को रखा गया है जो बाय द स्टेट या फिर बाय द सोवरेन इनैक्ट किए जाते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें मटेरियल सोर्सेज की, तो मटेरियल सोर्सेज मतलब वो मैटर जहां से लॉ ड्राइव हुआ है, इस कैटेगरी में कस्टम्स को रखा गया है। तो अब अगर हम बात करें कस्टम की एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ जब हम पढ़ते हैं तो यहां से किस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में या फिर एलएलबी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। पहला पूछ लेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है कस्टम के, दूसरा पूछ लेंगे कि कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ बताइए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आजकल जैसे कस्टम की जो वैल्यू है धीरे धीरे करके डिमिनिश हो रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। चौथा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि जो कस्टम है वो लॉ कब बनता है, इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन क्या है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं कस्टम से। बेसिकली जो कस्टम है उसको रिगार्ड किया जाता है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ के रूप में। जैसे कि आपको इंग्लैंड के कॉमन लॉ के बारे में तो पता ही होगा, ये बात है आपकी 1066 की। इस टाइम पर जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ इंग्लैंड का, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इंग्लैंड में लॉ के डेवलपमेंट में। तो इस टाइम पर पूरे इंग्लैंड कंट्री में एक लॉ डेवलप हुआ जो कि पूरे कंट्री के लिए कॉमन था, और वो आपका बेस्ड था जनरल पॉपुलेशन के जनरल कस्टम्स पर। तो इसी को क्या कहा गया वहां पर, कॉमन लॉ कहा गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंग्लैंड का कॉमन लॉ भी किसके ऊपर बेस्ड था, जनरल कस्टम्स के ऊपर बेस्ड था। और इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है वो कई कंट्री के लॉस को इंपैक्ट किया। जैसा कि इंडिया में 1947 से पहले ब्रिटिशर्स का ही राज था, तो उससे पहले जो भी कानून बने वो कहीं ना कहीं कॉमन लॉ से इंस्पायर थे। और आज भी ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो लॉज बने थे वो इंडिया में प्रिवेलेंट है, जैसे कि आईपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईटीसी। तो कहने का मतलब यही है कि कस्टम का इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है, कब से, पुराने टाइम से। तो बेसिकली कस्टम वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिनमें कंसिस्ट होते हैं वो रूल्स ऑफ कंडक्ट जो कि जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं। मान लो अगर किसी कम्युनिटी में काफ़ी टाइम से कोई प्रैक्टिस परफॉर्म की जा रही है, और अगर वो प्रैक्टिस, अभी जो हम वैलिड कस्टम के एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस करेंगे उन एसेंशियल एलिमेंट को कंसिस्ट करती है, तो तब हम उसको ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कस्टम है। इसके अलावा जो हॉलैंड है उनका ये कहना है कि कस्टम क्या है, जनरली ऑब्जर्व किए जाने वाले कोर्स ऑफ कंडक्ट है। सामंत ये कहते हैं कि कस्टम सोसाइटी के लिए उसी तरह माने जा सकते हैं जैसे कि एक लॉ स्टेट के लिए होता है, वही वैल्यू कस्टम सोसाइटी के लिए रखता है। तो इस तरह से जो कस्टम है वो क्या है, वो यूसेज है या फिर वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि कई पर्टिकुलर प्लेसेस में या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस में या फिर किसी क्लास ऑफ पर्सन में क्या हो सकती है, कॉमन हो सकती है, जो कि लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड है, जो अनरिटन है, लेकिन फिर भी सोशल लाइफ को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये यूसेज, प्रैक्टिस, कन्वेंशन क्या है, कस्टम है।
कोई भी यूसेज प्रैक्टिस तभी वैलिड कस्टम कहलाती है जब वो यहाँ पर जितने भी इसेंशियल एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे उनको वो कंसिस्ट करेगी। कोर्ट के समक्ष अगर सवाल आता है कि ये पर्टिकुलर कस्टम वैलिड है या नहीं, तो तभी उसको जुडिशियल रिकग्निशन मिलेगा जब वो यहाँ पर दिए गए इसेंशियल एलिमेंट को कंसिस्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिक्विटी, यानी कि जो कस्टम है वो टाइम इमेमोरियल से क्या हो रही हो, प्रैक्टिस की जा रही हो, तो सबसे पहले ये प्रूफ करना जरूरी है कि इसको काफी टाइम से, प्राचीन टाइम से क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है। दूसरी चीज कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी कि काफी टाइम से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, बीच में कभी भी ये डिस्टर्ब नहीं हुई है, कोई इंटरप्शन नहीं किया गया है इसकी प्रैक्टिस में। थर्डली रीजनेबलनेस, यानी कि कस्टम क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ये कन्वीनियंट होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए यूजफुल होनी चाहिए। जैसा कि सोसाइटी चेंज हो रही है, तो विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी लॉस को भी क्या होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। तो कोई कस्टम अगर पुराने टाइम से चली आ रही है और पुराने टाइम की सोसाइटी के ऊपर अप्लाई होती थी, बट वो अब जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके कंटेक्स्ट में रीजनेबल नहीं है, तो इस हिसाब से उसको क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई कस्टम पुराने टाइम में रीजनेबल थी, तो वो अब भी क्या होनी चाहिए, मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी रीजनेबल होनी चाहिए। तो कोई कस्टम रीजनेबल है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए ये देखा जाता है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि कुछ प्रैक्टिसेस जो थी प्राचीन काल से हमारे इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही थी, उनको क्या किया गया है, उनको एबॉलिश किया गया। क्यों? क्योंकि वो रीजनेबल नहीं थी, वो रैशनल नहीं थी। जैसे कि सती सिस्टम हो गया, स्लेवरी सिस्टम हो गया। इसके अलावा सबरीमाला टेम्पल केस जो आया था आपका, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस केरला 2018 का, इस केस में उस प्रैक्टिस को जिसके तहत टेम्पल के अंदर, सबरीमाला टेम्पल के अंदर महिलाओं को एंटर नहीं होने दिया जाता था, इस प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसके अलावा सिमिलरली ट्रिपल तलाक का जो केस आया आपका, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, इस केस में ट्रिपल तलाक जो कि एक प्रिवलेंट प्रैक्टिस था डाइवोर्स देने का मुस्लिम सोसाइटी में, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कर दिया, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट मॉडर्न कंटेक्स्ट में रीजनेबल नहीं था। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है पीसफुल एंजॉयमेंट। जो कस्टम है उसका जो इंजॉयमेंट किया जा रहा है वो पीसेबल होना चाहिए, शांतिपूर्ण उसका आनंद लिया जा रहा हो। ऐसा नहीं कि मार धाड़ हो रही है और फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये कस्टम मनाया जाएगा, ये प्रैक्टिस प्रिवलेंट रहेगी रहेगी, इसके लिए चाहे हमें मार धाड़ करनी पड़े, खून खराबा करना पड़े, मतलब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो कस्टम है उसका एंजॉयमेंट पीसिबली होता आ रहा होना चाहिए। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है जनरल और यूनिवर्सल, यानी कि जो कस्टम है वो जनरल होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए। नेक्स्टली जो कस्टम है वो सर्टेन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एम्बिगस है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। सर्टेनिटी होनी चाहिए कस्टम में, निश्चितता होनी चाहिए, और इसके अलावा जो कस्टम है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अदर कस्टम के साथ, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर कस्टम है तो वो किसी अदर कस्टम के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं होनी चाहिए, और ना ही जो स्टैट्यूट लॉ होते हैं कंट्री के उनके कन्फ्लिक्ट में होनी चाहिए, बल्कि स्टैट्यूटरी लॉ के कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्टली कस्टम पब्लिक पॉलिसी के या फिर मॉरेलिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जो स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं कंट्री के उनके साथ कस्टम में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो स्टैट्यूटरी लॉ के इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे इसेंशियल एलिमेंट अगर कस्टम क्या करती है, कंसिस्ट करती है, और उसकी वैलिडिटी को लेकर जुडिशरी के समक्ष सवाल आता है, तो जुडिशरी उसके जुडिशियल रिकग्निशन को अपहेल्ड कर देगी। कस्टम्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरह के कस्टम होते हैं, एक होता है कस्टम विदाउट सेंक्शन, यानी कि वो जिनको परफॉर्म करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है, और इस तरह के कस्टम को अस्टिन बोलते हैं लीगल मोरालिटी।
दूसरे होता है कस्टम हैविंग सेंक्शन, यानी कि वो कस्टम जो कि बाय द स्टेट एनफोर्स किए जाते हैं। और ये कस्टम आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है लीगल कस्टम, एक होता है कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम मतलब वो कस्टम जो कि बाय द कोर्ट क्या कर दिए गए, अप्रूव कर दिए गए, रिकॉग्नाइज कर दिए गए, और इस तरह से वो कंट्री के लॉ का पार्ट बन गए हैं। बेसिकली ये कोर्ट के द्वारा क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, जनरल लीगल कस्टम, लोकल लीगल कस्टम। जनरल लीगल कस्टम यानी कि जो पूरे स्टेट की टेरिटरी में अप्लाई होंगे, वहीं दूसरी तरफ लोकल लीगल कस्टम मतलब वो कस्टम जो किसी सर्टेन प्लेस के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर टाउन के ऊपर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कन्वेंशनल कस्टम्स की, कन्वेंशनल कस्टम बेसिकली वो कस्टम्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज को गवर्न करते हैं। होता यह है कि ये कुछ ऐसे यूसेज या फिर प्रैक्टिसेस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के द्वारा या तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली क्या कर लिए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। यानी जिनको फॉलो करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं वो या तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली एग्री हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो पार्टीज क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उस ट्रेड से संबंधित जो भी यूसेजेस हैं, जो भी कन्वेंशंस हैं, ऐसा माना जाएगा कि उनको लेकर वो क्या हो गए हैं, इम्प्लाइडली एग्री हो गए हैं। या फिर ऐसा होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में होता है किसी भी चीज के बारे में जो गवर्न हो रही है किसी पर्टिकुलर लोकल लॉ से, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि पार्टी इम्प्लाइडली क्या करती है, उस लोकल लॉ से बाउंड होने को लेकर क्या करती है, एग्री करती है। तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कन्वेंशनल कस्टम। और ये चीज प्रिजम्पशन लगाने से पहले कि पार्टी कन्वेंशनल कस्टम को लेकर एग्री हुई है, कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि जो पार्टीज हैं उनकी कंप्लीट नॉलेज में वो कस्टम होना चाहिए। और वो कस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनरीजनेबल है। मान लो कोई ट्रेड का ऐसा प्रैक्टिस है जो अनरीजनेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पार्टी उसको लेकर भी क्या हो गई है, एग्री हो गई है। वो रीजनेबल होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे कस्टम लॉ बनता है या कैसे कस्टम लॉ में ट्रांसफॉर्म होता है, तो इस चीज़ के संबंध में दो थियोरीज दी गई हैं। पहली थियोरी हिस्टोरिकल थियोरी, दूसरी थियोरी एनालिटिकल थियोरी। दोनों की दोनों थियोरी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल थियोरी की अगर हम बात करें, तो हिस्टोरिकल थियोरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो लॉ है उसका जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है लॉ का, वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आर्बिट्ररी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो पहली चीज यहाँ पर ये क्या अबॉलिश कर रहे हैं, ये इस अवधारणा को अबॉलिश कर रहे हैं कि जैसा होता है ना, बोलते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, लॉ इज द विल ऑफ सोवरेन, तो इस चीज को ये अबॉलिश कर रहे हैं। यानी कि जो लॉ का डेवलपमेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आर्बिट्ररी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही ये कोई एक्सीडेंट से मतलब डेवलप हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि जो लोगों का इंटेलिजेंस होता है उसके रिजल्ट के रूप में ही ये क्या होता है, ग्रो होता है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो कस्टम है ये लोगों की कॉमन कंशाइंसनेस से क्या होता है, ड्राइव होता है। ये इस चीज से ड्राइव होता है कि जो हमारा इनर सेंस होता है ना, कि ये समझने का कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसी चीज से कस्टम क्या होता है, ड्राइव होता है। इसके अलावा जो लॉ का एग्जिस्टेंस है वो लोगों की जनरल विल में होता है। यानी कि जो सोवरेन है ना, वो लॉ को ना थोप नहीं सकता है, डिपेंड करता है लोगों की जनरल विल के ऊपर कि उसे अपने ऊपर थोपवाना है या नहीं थोपवाना है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो सेवनी है वो नाम देते हैं वॉक्सजीस्ट का। और सेवनी का ये कहना है कि जो कस्टम है वो लेजिस्लेशन को प्रिसीड करता है, और लेजिस्लेशन क्या होना चाहिए, कस्टमरी प्रैक्टिस के कन्फर्मिटी में होना चाहिए, और जो कस्टम है वो लेजिस्लेशन के सुपीरियर होता है। तो ये चीज़ भी सेवनी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें जेम्स कार्टर की, तो जेम्स कार्टर का कहना है कि जो चीज़ ह्यूमन कंडक्ट को, मैन के कंडक्ट को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, जब से शुरुआत हुई है तब से,
और एट द एंड ऑफ द टाइम, जब टाइम खत्म हो जाएगा, जब जिंदगी या खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब तक गबन करता रहेगा। उसको जेम्स कार्टर ने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये कस्टम है। इन्होंने कहा जो ह्यूमन नेचर है इज नॉट लाइकली टू अंडरगो अ रेडिकल चेंज, एंड देयरफॉर दैट विच वी हैव द नेम ऑफ द लॉ ऑलवेज हैज बिन स्टिल इज एंड विल फॉर एवर कंटिन्यू टू बी। वॉट इज इट? इट इज कस्टम। बट ये जो थियोरी दी ना हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने, इसको ना क्रिटिसाइज किया गया, कहा यह गया कि इनका व्यू जो है वो बैलेंस व्यू नहीं है, क्योंकि ये कहना गलत है कि जो कस्टम है वो हमेशा कहाँ से अराइज हो रहा है, लोगों की ज़रूरतों से, लोगों की कन्वीनियंस से। क्यों ये कहना गलत है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग होते हैं उनके ऊपर बाय द रूलिंग अथॉरिटीज़ क्या किया जाता है, लॉ को इम्पोज किया जाता है। जैसे कि आईपीसी में प्रोविजंस आपने देखे होंगे ना कि कोई चोरी नहीं करेगा, अगर चोरी करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा होगी। तो ये चीज़ लोगों के ऊपर क्या की गई है, थोपी गई है कि अगर करोगे आप चोरी तो आपको सज़ा मिलेगी। तो बाय द लॉ वो बाउंड है, क्योंकि रूलिंग अथॉरिटी ने क्या किया है, उनके ऊपर इम्पोज किया है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल स्कूल के जुरिस्ट हैं वो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। किस चीज़ को? जो स्टेट होता है ना उसके पास कस्टम को एब्रोगेट करने की पावर होती है, तो इस चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, जजेस के द्वारा जो प्रेसिडेंट सेट किए जाते हैं और जो लेजिस्लेचर के द्वारा लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं, उनका मॉडर्न टाइम में ना लॉ को क्रिएट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस क्रिएटिव रोल को जो कि जजेस और लेजिस्लेचर के द्वारा मॉडर्न टाइम में निभाया जा रहा है, उसको हिस्टोरिकल स्कूल के एक्सपोनेंट अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म किया गया हिस्टोरिकल थियोरी का। अब अगर हम बात करें एनालिटिकल स्कूल वाले क्या कहते हैं, तो एनालिटिकल स्कूल से कुछ एक्सपोनेंट है जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे हो गए आपके अस्टिन, हॉलैंड, ग्रे, एलन, विनोग्रेडॉफ। तो इन सब ने अपना व्यू दिया है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि कैसे कस्टम ट्रांसफॉर्म होता है लॉ में। अस्टिन ये कहते हैं कि कस्टम को हम मान सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ लॉ है, बट ये अपने आप में ना कोई लॉ वॉ नहीं है। कस्टम कोई पॉजिटिव लॉ नहीं है जब तक कि जो उसका एग्जिस्टेंस है वो बाय द कोर्ट के डिसीजन से रिकॉग्नाइज नहीं कर दिया जाता है। एक कस्टम तभी लॉ बनता है जब वो बाय द स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाता है। वही कस्टम क्या है, वैलिड है, जो जुडिशियल टेस्ट को क्या कर जाते हैं, सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो इस तरह से जो सोवरिन है वो क्या कर सकता है, कस्टम को एबॉलिश कर सकता है। और एक कस्टम तभी लॉ है जब उसको लॉ रहने देने के लिए क्या कर रहा है, सोवरिन अलाउ कर रहा है। तो अस्टिन ने ये कहा कि जो कस्टमरी लॉ है ना वो दो तरीके से लीगल रूल की फॉर्म ले सकता है, मतलब लॉ बन सकता है दो तरीकों से। जैसे कि पहला तरीका तो ये हो गया कि जो सोवरेन है ना, जो संप्रभु है या फिर उसके जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने क्या कर लिया, कस्टम को अडॉप्ट कर लिया कि अरे कोई बात नहीं, ये कस्टम है, चलो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और इसको लॉ में तब्दील कर देते हैं। तो तब वो लॉ में तब्दील हो जाता है, ठीक है, अगर सोवरेन उसको अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, तो तभी वो हो जाता है क्या, लॉ में तब्दील इन ए डायरेक्ट मोड। और फिर इसको हम कह देते हैं स्टैट्यूट लॉ। दूसरा तरीका क्या है कस्टम का लॉ में तब्दील होने का? तो दूसरा तरीका है जुडिशियल रिकॉग्निशन, यानी कि जुडिशियल डिसीजन के थ्रू, यानी कि जुडिशरी के समक्ष सवाल आया कि ये पर्टिकुलर कस्टम एज अ लॉ इसको रहने दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तो अगर जुडिशियल डिसीजन उसको अप्रूव कर देता है तो वो बन जाता है लॉ। यानी कि अगर जुडिशरी उसको एज अ लॉ रिकॉग्नाइज कर देती है तो तब कस्टम लॉ बन जाता है, उससे पहले नहीं बन सकता है। तो अस्टिन ना इस बात पे जोर देते हैं कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस तभी लॉ बनते हैं जब जो स्टेट की कोर्ट है वो उनको एज अ लॉ रिकॉग्नाइज कर देती है। वहीं अगर हम बात करें हॉलैंड की, तो हॉलैंड का ये कहना है कि जो कस्टम्स हैं वो लॉ नहीं है, जब वो मतलब अराइज होता है ना, मतलब जैसे कस्टमरी प्रैक्टिसेस वगैरह कोई पर्टिकुलर सोसाइटी क्या करने स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिया, परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पर वो लॉ नहीं होते हैं, हॉलैंड ये कहते हैं।
बट वो लॉ कब बनते हैं? वो लॉ तब बनते हैं जब स्टेट उनको एज अ लॉ रिकॉग्नाइज कर देती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो ये हॉलैंड कहते हैं। बट इस थियोरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। डॉक्टर एलन जो है वो ये कहते हैं कि कस्टम जो है वो फर्स्टली एंड इसेंशली क्या है, लॉ है, पहले से ही वो लॉ है, इसेंशली वो लॉ ही है, और ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही लॉ है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने अगर उन्हें इन्फोर्स कर दिया तब वो लॉ बन रहा है, ऐसा नहीं है, वो पहले से ही लॉ है। इस तरह से इनका कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट ऑफ द कस्टम है वो सिर्फ इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं कि उनको कोर्ट ने या फिर लेजिस्लेचर ने लीगल सैंक्टिटी दे दिया है, बट इसलिए रिकॉग्नाइज किए जाते हैं क्योंकि वो बाय कम्युनिटी एज अ होल क्या किए जा रहे हैं, लॉ के रूप में ट्रीट किए जा रहे हैं। और जो लोग हैं वो ये फील करते हैं कि वो उन कस्टम से क्या है, बाउंड है, खुद को वो बाउंड मानते हैं उन कस्टम से। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उनका अप्रूव किया जाना या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा उनको लीगल सैंक्टिटी देना जरूरी नहीं है फॉर द कस्टम टू बिकम लॉ। तो इस तरह से एनालिटिकल थ्योरी का ये क्रिटिसिज्म दिया गया। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें इन दोनों थ्योरी के, तो इन दोनों में से कोई भी थ्योरी कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। जैसा कि हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं कि स्टेट के बनने से पहले ही जो ह्यूमन कंडक्ट है सोसाइटी में वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस से रेगुलेट और गवर्न होते आ रहे हैं। इस तरह से कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं उनको लॉ के जैसे ही क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी प्राप्त है, अथॉरिटी प्राप्त है मॉडर्न टाइम्स में। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि एनालिटिकल स्कूल वाले कहते हैं कि जुडिशियल रिकॉग्निशन जब मिल जाता है तभी कस्टम लॉ बनता है, तो होता यह है कि अगर ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कस्टम की वैलिडिटी के ऊपर सवाल आता है तो तब वो कहाँ जाती है, कोर्ट में टेस्ट होने के लिए जाती है कि वो कस्टम वैलिड है या नहीं। तो तब जब वैलिडिटी चेक होती है कोर्ट के द्वारा, तो तब हम उस कस्टम को कहते हैं कि बाय द कोर्ट इसकी वैलिडिटी क्या कर दी गई है, अप्रूव कर दी गई है। अगर कोर्ट उसकी वैलिडिटी को क्या कर देता है, अपहेल्ड कर देता है, तो ये हो गया एक दूसरा पहलू। लेकिन ऐसा नहीं है कि कस्टम को अगर जुडिशियरी क्या कर रही है, अब अप्रूव कर रही है, तो वो पहले से ही लॉ नहीं था, ठीक है। तो इसेंशियल चीज़ ये है कि कस्टम को लॉ बनने के लिए क्या करना चाहिए, जो इसेंशियल एलिमेंट्स है ना कस्टम के अभी हमने डिस्कस किए, वो उसको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, वो सारे उसके अंदर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इट इज़ अ वैलिड कस्टम। अब अगर हम बात करें कस्टम की एज अ सोर्स ऑफ लॉ क्या इम्पोर्टेंस है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो कस्टम है वो ओल्डेस्ट सोर्स है लॉ मेकिंग का, कानून के निर्माण का सबसे पुराना स्रोत है कस्टम। और लगभग सभी सोसाइटीज़ में जो ह्यूमन कंडक्ट होते हैं उनको रेगुलेट करने के मामले में, उनको गवर्न करने के मामले में जो कस्टम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि आपको पता ही है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी है कि जो इंग्लैंड का कॉमन लॉ है वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस के ऊपर आधारित था, और इंग्लैंड के लॉज का इम्पैक्ट इंडिया में भी बहुत पड़ा है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ही हम कह सकते हैं कि कस्टमरी लॉ कहीं ना कहीं इंडियन लॉज को भी क्या किए हैं, इम्पैक्ट किए हैं, और एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक कस्टमरी लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में बहुत सारे कस्टम हैं जिनको बाय द लॉ एक्सेप्ट किया गया है, जैसे कि हिंदू मैरिज सेरेमनी वगैरह जो होती है, उसके जो भी क्रियाकर्म होते हैं उनको बाय द हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा मुस्लिम्स में जो मेहर होता है शादी के टाइम पर, जैसे कि आपको पता ही है मुस्लिम्स में मेहर वगैरह क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है, तो जो मेहर होती है वो भी आपका क्या है, एक तरह का प्रैक्टिस है जो कि मुस्लिम सोसाइटी में प्रेवलेंट है कस्टम के रूप में। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 है, वहाँ पर जैसे कि लॉज को बताया गया है कि क्या क्या लॉ है, तो वहाँ पर कस्टमरी लॉ को भी
अदर ब्रांचेस जो है ना सिविल लॉ की, उनके साथ रखा गया है, यानी कि कस्टमरी लॉ को इंडिया में इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ये चीज़ हमें आर्टिकल 13 से देखने को मिलती है। साथ ही आपको पता ही होगा सेक्शन 57 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जहां पर जो पहला वाला क्लोज दिया गया है उसमें कहा गया है कि जितने भी लॉज प्रेवलेंट हैं इंडिया में उनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। तो जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 13 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहां पर कस्टमरी लॉ भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो कस्टमरी लॉ का भी जो कोर्ट है वो जुडिशियल नोटिस लेने के लिए क्या है, बाउंड है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के तहत एक ईजमेंट जो है वो एक्वायर किया जाता है इन वर्च्यू ऑफ लोकल कस्टम। वहीं दूसरी तरफ अब अगर हम देखें इंटरनेशनल लॉ में भी जो कस्टम है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है प्रोमिनेंट प्लेस, इम्पॉर्टेंट प्लेस। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 38 क्लोज 1, वहां पर जैसे कि बताया गया है ना कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होंगे, तो वहां पर जैसे कि एक हो गया कन्वेंशन, इसको भी सोर्स ऑफ लॉ बताया गया इंटरनेशनल लॉ का। दूसरा जनरल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज नेशन, इनको भी बताया गया कि ये भी सोर्स ऑफ लॉ इंटरनेशनल लॉ के। और तीसरी चीज है कस्टमरी लॉ को भी बताया गया है इंटरनेशनल लॉ का सोर्स। तो इस तरह से प्राइमरी सोर्सेज जो है इंटरनेशनल लॉ के, उनमें से एक कस्टमरी लॉज भी है। तो ये आपका इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत इम्पॉर्टेंस प्ले करता है। तो इस तरह से इंटरनेशनल लॉ में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ सोर्स ऑफ लॉ। बट जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया, सोसाइटी की ज़रूरतें बदल रही हैं, मॉडर्न सोसाइटी अलग है, अगर आप प्रिमिटिव सोसाइटी में जाएँ तो वो अलग थी। तो डे बाय डे जो नीड्स है सोसाइटी की वो चेंज हो रही हैं, और चेंजिंग नीड्स जो है सोसाइटी की उनके अकॉर्डिंग कुछ कस्टम ऐसी हैं जो रीजनेबल नहीं हैं, उनको क्या होना पड़ रहा है, अबॉलिश होना पड़ रहा है। जैसे कि सती सिस्टम जो था, स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा जो थी, वो भी क्या हुई है, अबॉलिश हुई है, क्योंकि वो रैशनल नहीं थी। इसके अलावा सबरीमाला टेम्पल केस में जो विमेन को टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाता था, इस प्रैक्टिस को क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। वहीं शायरा बानो के केस में ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस प्रिविलेंट थी मुस्लिम सोसाइटी में, उसको भी क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि जैसे कि सोसाइटी चेंज हो रही है, तो मॉडर्न कंटेक्स्ट में कुछ प्रैक्टिसेस क्या हैं, ऐसी हैं जो रीजनेबल नहीं है, इरेशनल है, तो उनको क्या होना पड़ रहा है, ख़त्म भी होना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे करके कुछ कस्टम ऐसे हैं जो ख़त्म भी हो रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस डिमिनिश हो रही है। इसके अलावा सोसाइटी में कस्टम की इम्पोर्टेंस इसलिए और डिमिनिश हो रही है क्योंकि अब लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो मेन सोर्स बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो मेन सोर्सेज ऑफ लॉ के रूप में अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन फिर भी कस्टम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ के डेवलपमेंट में, और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो आज के टाइम में भी एक्सपीरियंस की गई है। क्योंकि अयोध्या केस जो आया था उसमें भी कस्टम्स का रेफरेंस वगैरह दिया गया था, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा और इस चीज़ से उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट कस्टम। कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपके मेंस में प्रीमियम बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हैं, सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ज्यूरिसप्रूडेंस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो उनको खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। ज्यूरिसप्रूडेंस की सारी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार आप जाते जाते डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना।